स्टूडेंट जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11 सिविल्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है नीति निदेशक तत्व। तो नीति निदेशक तत्व तो क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है, नीति निदेशक तत्व, नीति बनाई गई है निर्देश के रूप में, किसके लिए, राज्यों के लिए। यानी राज्य सरकारें जब अपनी नीतियाँ बनाएं तो उन निर्देशों को फॉलो करें। तो नीति निदेशक तत्व तो भारतीय संविधान में उल्लिखित है कि इन निर्देशों का पालन राज्य सरकारें लाएँ अपने निर्देश, मतलब जो भी नीतियां बनाएं उन नीतियों में इन चीज़ों को, इन निर्देशों को ज़रूर सम्मिलित करें। डियर फ्रेंड, इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संविधान बनाने वाली सभा ने स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत के समक्ष आने वाली समस्याओं को हल करने की दिशा में प्रयास शुरू किया। जैसा कि संविधान सभा ने, जब संविधान निर्मित हुआ था तो उस समय विचार किया गया था कि भारत एक विशाल राष्ट्र है, यहाँ पे विविध जातियों, विविध संस्कृतियों के लोग रहते हैं, यहाँ पे इतनी विशालता और इतनी विविधता के कारण आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इस कल्याणकारी राज्य के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पर समानता पर आधारित व्यवस्था क्रियान्वित की जाए, और इसी संदर्भ में उन्होंने नीति निदेशक तत्वों को सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में। यानी भारत के समक्ष आने वाली समस्याओं का हल करने की दिशा में उन्होंने क्या लाया, यानी भारत भी जैसे विशाल देश में समानता लाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जैसा कि स्पष्ट है कि भारत में समानता लाकर के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, ये चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों था, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी, बहुत विविधताओं से भरा हुआ देश था, और ऐसी परिस्थितियों में भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया। नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने के पीछे भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था जिसमें किसी भी प्रकार की विसंगतियाँ न रहें, किसी भी प्रकार के लोगों को कोई समस्या न उत्पन्न हो, चाहे सामाजिक लेवल पे, चाहे आर्थिक लेवल पे, चाहे राजनीतिक लेवल पे या धार्मिक लेवल पे। तो इस तरह से नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने के पीछे भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, भारत में कोई आने वाले समय में कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति न उत्पन्न हो, जिसके लिए उन्होंने नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था और उल्लिखित किया गया था कि इन नीति निदेशक तत्वों को जब राज्य सरकारें अपनी नीतियां बनाएं तो इन तत्वों को ज़रूर शामिल करें, इन तत्वों को ज़रूर फॉलो करें। हालांकि राज्य सरकारों को आदेश नहीं था कि इनको फॉलो ही करना है, केवल एक निर्देश दिया गया था मात्र, जो केवल नैतिकता पर आधारित था, किसी भी तरीके से कोई राज्य सरकारों को बाध्यता नहीं थी कि इन नियम नीति निदेशक तत्वों को राज्य सरकारों को पालन करना ही होगा। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल शब्दों में आप समझेंगे कि नीति निदेशक तत्व क्या हैं, भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं नीति निदेशक तत्व। अब ये हैं क्या, कुछ निर्देश हैं किसके लिए, राज्य सरकारों के लिए। यानी भारत में जो राज्य सरकारें हैं, इन जब भी अपने प्रदेश में कोई नीतियां बनाएं, कोई व्यवस्था लाएं, तो इन नीति निदेशक तत्वों को ज़रूर शामिल करें, इनको ज़रूर अपनाएं, जिससे किसी भी प्रकार की उनके राज्य में लोगों के लिए विसंगतियां या समस्याएं न उत्पन्न हो। तो नीति निदेशक तत्व जो है क्या है, राज्यों को नीतियां बनाते समय केवल दिशा निर्देश मात्र हैं जिनके वजह से राज्य सरकारें इन नीतियों को ज़रूर सम्मिलित करें। हालांकि राज्य सरकारों के नीतियों को पालन करने के लिए या अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया था, तो इस तरह से उनके लिए यह केवल एक क्या था, उसको केवल निर्देश मात्र था, किसी प्रकार का आदेश नहीं था। इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थी, आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व फर्स्ट है, सेकंड है सामाजिक व्यवस्था संबंधी तत्व, थर्ड है संस्कृति विकास संबंधी तत्व, फोर्थ है न्याय संबंधी तत्व, और फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। तो इस तरह से उन्होंने ये नीति से तत्वों में ये सिद्धांत सम्मिलित किया गया था। आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व में आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया था। बहुत सारे ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, राज्य सरकारें ऐसी नीतियां बनाएं जिससे उनका भरण पोषण हो सके। तो इस तरह से आर्थिक व्यवस्था संबंधी तत्व को शामिल किया गया था।
सामाजिक व्यवस्था संबंधी तत्वों को शामिल किया गया था। समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, किसी के साथ अनावश्यक जो है किसी सामाजिक लेवल पे उसे जो है हीनता की स्थिति न उत्पन्न की जाए, तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह के नीतियों और निर्देशों का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था। अगला है संस्कृति विकास संबंधी तत्व और न्याय संबंधी तत्व। संस्कृति विकास संबंधी तत्व में भारत की संस्कृति और परंपराओं को फॉलो करने के लिए लिया गया था, उसके क्रियान्वित किया गया था, किस रूप में इसे राज्य सरकारों को इनको पालन करना है इन नीतियों निर्देशक के तत्वों के तहत, जिससे किसी भी प्रकार की विसंगति न उत्पन्न हो। इसी क्रम में न्याय संबंधी तत्व, देश में कानून व्यवस्था इस तरह से लागू किया जाए कि सबके लिए एक समान हो, प्रत्येक राज्य में एक तरह की कानून व्यवस्था हो, कहीं भी कोई भेदभाव की स्थिति न उत्पन्न हो। नेक्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की स्थिति लाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को अपनाना और विश्व शांति को समर्थन प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिमय तरीके से निपटारा करना, इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। डियर स्टूडेंट, निर्देशक तत्व में इस तरह से राज्य सरकारों को एक प्रकार से दिशा निर्देश मात्र दिया गया था, जो भारतीय संविधान में उल्लिखित है कि राज्य सरकारें इन निर्देशक तत्वों को पालन करेंगी, इनको अपनाएंगी। इस विषय वस्तु कहीं समाप्त करते हैं, फिर से नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।